तदंतर कार्यक्रम राइजिंग इंडिया आयोजित होउछे एवं राइजिंग इंडिया रे अतिथि केन्द्र मंत्री राजनाथ सिंह अछंती केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अछंती वर्तमान आमे आपन को ने जाउछु सेठाकर से संबोधन कोन करछंती से कोन कहउछंती आसंतु सुनि इस तरह की चार लिस्ट जारी की जा चुकी है 400 मोर देन 400 आइटम्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि निर्धारित समय के बाद यानी कुछ एक वर्ष के बाद कुछ दो वर्ष के बाद कुछ तीन वर्ष के बाद यह सारे आइटम्स दुनिया के दूसरे देशों से यह इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे बल्कि बनेंगे तो हमारे देश में भारत में बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। इसी तरह डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी तीन लिस्ट जारी की गई है जिसमें 3700 से भी अधिक ऐसे आइटम्स हैं जो हथियार और प्लेटफॉर्म बनाने के काम आते हैं, इनके भी इंडिजनाइजेशन पर हमने बल दिया है। साथियों, हमने डिफेंस सेक्टर से जुड़े डोमेस्टिक वेंडर्स को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं कि हमारी सेनाओं के लिए गोले बारूद अब स्वदेशी कंपनियों द्वारा ही खरीदे जाएंगे। इसके लिए डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन का एक निश्चित हिस्सा हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रिजर्व भी कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए यह हिस्सा अब 75% कर दिया गया है जो लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया बनता है। और आपको मुझे जानकारी देते हुए यह बेहद खुशी हो रही है कि हमने इसमें 25% कैपिटल एक्विजिशन का परसेंटेज यह शेयर केवल प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए निर्धारित कर दिया है। इसी प्रकार के अनेक स्टेप्स लिए गए जिनके परिणाम अब हमारे सामने आने प्रारंभ हो गए हैं। हमारे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम न केवल अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों को भी हथियार और साजो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, कुछ पिछले समय में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में काफ़ी इजाफा हुआ है।